मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश में गरीबी उन्मूलन और ग्रामवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। 2012 से शुरू हुआ ये मिशन पिछले 5 सालों से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषि की नवीन तकनीकों का विकास भी कर रहा है, साथ ही महिला गठित समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी कार्य किया जा रहा है। ये है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का ग्राम दुबड़ी, जहां बहुत समय तक शराब बनाने और बेचने का कारोबार होता था। दुबड़ी गांव काफी समय तक अप्रगतिशील और उपेक्षित रहने की वजह से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर और पिछड़ा हुआ गांव रहा। साक्षरता की कमी की वजह से यहां का विकास भी रुका हुआ था। साथ ही श्योपुर जिला कार्यालय से 78 किलोमीटर की दूरी होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासियों को नहीं मिल पाता था। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस ओर रुख किया, जिससे दुबड़ी गांव में खुले विकास के द्वार। आजीविका मिशन के अधिकारियों और अन्य सहयोगियों ने दुबड़ी गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे पहले गांव की महिलाओं को लक्षित किया और उन्हें स्व सहायता समूह संगठन और ग्राम संगठन के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ दुबड़ी गांव में भी बड़े स्तर पर बदलाव आए। आजीविका मिशन से हमें यह तालाब बनवाया, फिर पानी रुकने लगता है, फिर मछली पालन किया, फिर हमने मछली पालन करके फिर मछली बेचने लगते हैं हम, तो फिर पैसा भी प्राप्त होता है हमको। मिशन अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की मदद से गांव की महिलाओं ने जाना विकास का सही अर्थ। गांव के कुल 79 परिवारों में से 74 परिवार की महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा गया और उन्हें नवीन कृषि तकनीक जैसे खाद निर्माण, व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के अलावा आजीविका आधारित अन्य गतिविधियों की ओर भी प्रेरित किया गया। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने ग्राम विकास और राज्य शासन के कार्यों को करना शुरू किया। स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं ने अपने पति और परिवारजनों को शराब का धंधा छोड़ने के लिए प्रेरित किया, साथ ही कृषि और आजीविका आधारित अन्य गतिविधियां जैसे जैविक खाद निर्माण, सब्जी उत्पादन, आटा चक्की, किराना स्टोर आदि को अपनाकर लाभ कमाया। महिलाओं ने अपने परिवार के बेहतर पोषण में भागीदारी दी। इसके अलावा शासन से समन्वय स्थापित कर शासकीय योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और नलकूप खनन में अनुदान आदि का लाभ भी ले रहे हैं ग्रामवासी। आज दुबड़ी गांव में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 7 स्व सहायता समूह संचालित हैं, जो गांव के 74 परिवार की महिलाओं को जोड़े हुए हैं। ये सभी महिलाएं अपने परिवार की बेहतर परवरिश करने के साथ साथ गांव के विकास में लगातार भागीदार बन रही हैं। समूहों के सभी सदस्य आपसी सामंजस्य स्थापित कर समूह की राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, उन्नत खेती के लिए उपकरण खरीदने जैसी गतिविधियों में करते हैं। इस तरह सभी तरीकों से ग्रामवासी लगातार सामूहिक विकास कर रहे हैं। हमने बहुत परेशानी में था और मोवा बीन बीन के हमने मोड़ा मोड़ी को पालिया और हमने वही जाता बरगवा में मई लेवे और 2 मोड़ा जानवर खाई गयो हमारे साथ में आवे घर का जाने यही वहीं गया है तो हमने जाने घर है 2 मोड़ा जानवर खाई गया तो हमने फिर अब मिशन आवी। मिशन में हमें समूह जुड़ी, समूह में हम जुड़ाई होते हमने अब हमारे बढ़िया सब हमने सोरा सोरी ने स्कूल भी भेजिए और हमने 8 दने सुमार की सुमार मीटिंग भी हम कर रही हो तो कोई बीमार हो तो ये क्यों नहीं इन्हें घर क्यों है बीमारी तो हमें 8 दन्ने भेड़ियो था ये हमें समूह में एक ही का मकान में ने हमें पूरा पत्तो मिल जाए अरे इसको ले जाओ अस्पताल। पहले हमने कई जाता कर्जा लेवा तो अब मिशन में जोड़ा गया तो अब मिशन में था हमने पैसा निकाल लिए और हमारा गांव बढ़िया हो गया, हमें लाख ऊपर ऊपर कमा लिए
और हमें कैथा भी लेवा लेन देन करवा नहीं जा रहा, हमारे मिशन में हम लेन देन कर रही है। दुबड़ी गांव में आजीविका मिशन के कार्यक्रमों के तहत आए बदलाव और विकास की चारों ओर तारीफें हुई। अधिकारियों के लगातार भ्रमण से गांव में नवीन तकनीकें और विकास के कई पहलुओं की जानकारी समूहों के सदस्यों को दी जा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बदली दुबड़ी गांव की तस्वीर। इस तरह गांव की महिलाओं ने गांव के विकास में अपना विशेष योगदान दिया और दुबड़ी गांव आज विकास के पथ पर अग्रसर है।